अब हम पहुंच गए कोलकाता में और यहाँ पे है हम श्री सीमेंट के ऑफिस में लेट्स नॉट फॉरगेट श्री सीमेंट है थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर और वन ऑफ द लोएस्ट प्रोड्यूसर कॉस्ट प्रोड्यूसर है पर बहुत बात करेंगे हम मिस्टर भांगुर के साथ हरिमोहन मोहन जो है चेयरमैन ऑफ श्री सीमेंट एंड सर थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है ये एक हेरिटेज बिल्डिंग में बोल सकती हूँ ऑफ ओल्ड एंड न्यू चल रहा है यहाँ पे यू नो द स्ट्रक्चर दैट यू आर स्टिल य एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से यह है दैटेडीन सेवन ये सबकी जर्नी कैसे रही है और कोलकाता के साथ आपकी जर्नी कैसे रही है कैलकटा में हम, मेरी एजुकेशन एंड माई फादर एंड ग्रैंड फादर माई ग्रैंड फादर माइग्रेटेड वो दिल्ली जब अपने राजस्थान से कैलकटा आए काम धंधे की तलाश में वहां पर तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी काम करने की तो जब कलकत्ता आए तो कोई भाड़े के मकान में एक कमरे में रहे चार कमरे में एक एक कमरे में चार आदमी उस तरह से हैड स्ट्रगल्ड तो उनके बाद वहाँ से धीरे धीरे सक्सेस चालू हुआ और उसके बाद मेरा पिताजी का भी यहीं पे एजुकेशन हुआ मैंने भी यहीं पे पढ़ाई की और बाद में बॉम्बे आईआईटी में जाके मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो कलकत्ता से तो लगाव मेरा बहुत पहले से है यहां पे यह सिटी और इंडिया के अर्बन सिटी की जैसे नहीं है कलकत्ता एक ओवरग्रोन विलेज है यहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं बड़ा हो गया शहर पर मेंटेलिटी अभी तक गांव वाली है दैट इज द ब्यूटी ऑफ कलकत्ता। दैट द मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू एंड इसीलिए यहाँ पे अभी भी कल्चर इज स्टिल अ पार्ट राइट कोलकाता को बोलते हैं कि कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया अभी भी वहां पे है फ्रॉम म्यूजिक टू टू बुक्स एवरीथिंग पे सब जगह आपको कहीं पे भी जाना हो कोई से भी बात करना हो तो अनलाइक अदर थिंग आपको लिटरेचर का बंगाली पोएट्री का आर्ट का संगीत का ये सब नॉलेज नहीं हो तो कलकत्ता में इस सोसाइटी में आप रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होंगे सक्सेस भी नहीं पाएंगे तो आपके लिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं पैसे के अलावा इस सब चीजों में स्पोर्ट्स में जब तक आपका मल्टीफेरस इंटरेस्ट नहीं होगा कलकत्ता में आप सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे सक्सेस भी नहीं हो सकेंगे सर आपका कौन सा शौक था आई आप वॉलीबॉल भी खेलते थे एकदम वॉलीबॉल भी खेलता था और अभी तक खेलता हूं माई फादर हुई इज नाइन्टी टू वो भी दो साल पहले छोड़े वो wow. भी वो भी खेलते हैं एंड ही इज फिट अभी भी रोज पांच किलोमीटर वॉक करते हैं फैमिली और इट्स इन द एयर ऑफ कोलकाता एयर ऑफ कोलकाता कोलकाता के अंदर में एवरेज uh, कोलकाता वालों के लिए फूड इज द रियलिटी ऑफ लाइफ किस अभी क्या, क्या खाया था कैसा बना और शाम को क्या बनाना but, <laughs> है you know, श्री सीमेंट के साथ यू नो यू ज्वाइन द कंपनी यू केम हियर एंड आपने यही स्टार्ट किया जो जर्नी आपकी स्टार्ट की एज अ प्रोफेशनल आपने बहुत सारी मेहनत की होगी आपकी जर्नी सीमेंट में कैसी रही और आपने ये इंडस्ट्री ट्रैक कैसी देखिए इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सक्सेस पाया बहुत अच्छा हुआ देन वी हैड ए बैड पैच हमने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन अच्छा भी हुआ बट सडनली वी फाउंड कि जब आप मोस्ट वनरेबल थे तब सीमेंट के दाम गिर गए आपके ऊपर डेट हैवी हो गया एंड वी वर इन डायर ट्रबल इतना मुश्किल हो रहा था समय कि एक बार ऐसा लगा कि स्ट्री सीमेंट कंपनी हमको बेच देनी चाहिए फिर बेचा नहीं हमने रखा इसको मेहनत की फिर सक्सेस हुआ और अब हम लोग थोड़ा सेफ्टी के साथ कि जितना हमारा काम पैसा है हमारे पास उसको देख के एक्सपेंशन करते हैं और उससे ज्यादा एक्सपेंशन हम कर भी नहीं सकेंगे क्योंकि तो उतना मैनेजमेंट फिट एक साथ नहीं आता है तो हैव ऑल होम ग्रोन टैलेंट जो धीरे धीरे हमारे साथ ही हैं, वेरी लॉयल टू द कंपनी और अब जो सीमेंट कंपनी है उसके अंदर कुछ लोग तो ऐसा वरी करते थे कि नेक्स्ट महीना सैलरी कैसे मिलेगी वो भी आज तक साथ जुड़े और वेरी हैप्पी है Absolutely. और सर यू नो यही बात करते हुए जो टैलेंट की भी बात करें रिसेंट टाइम में जो सबसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो कोविड नाइनटीन क्राइसिस उसके पहले यू नो वाज एफ एस जो कोविड का बिकॉज इट वॉज इम्पैक्टिंग इम्पैक्ट रहा था वो यू you नो know, इतने बड़े क्राइसिस में हाउ यू द सिचुएशन देखिए उस समय स, 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 टोटल कल क्या होगा फ्यूचर क्या होगा कोई को मालूम नहीं था लोगों ने अपना कॉस्ट कमती करने के लिए मैन पावर का सैलरी भी नहीं बढ़ाया और कुछ लोगों ने काफी मैन पावर छोड़ दिया दैट वॉज द टाइम टू पिकअप टैलेंट फ्री सीमेंट ने नॉर्मल सैलरी इंक्रीज किया और काफी उस समय हमने टैलेंट भी लिया वी बिल्ट आवर टीम बिकॉज जो भी क्राइसिस है वो तो कभी ना कभी खत्म होगी जो स्काई इज गोइंग तो टू फॉल डाउन अंग्रेजी कहावत है स्काई आज तक तो गिरा नहीं <laughs> कल भी नहीं गिरेगा <laughs> तो स्काई इज नेवर गोइंग टू फॉल आपको जो रैशनल काम है वो करते रहना है तो श्री सीमेंट ने कोविड को बहुत तरीके से निकाला वर्कर्स को सारे खाने की सुविधा सैलरी तो ठीक है अंदर रहने की सुविधा फैक्ट्री में तो उस समय श्री सीमेंट ने मैक्सिमम मार्केट शेयर पाया हमारा सीमेंट जितनी क्षमता थी करीब करीब उतना पूरा प्रोड्यूस कर रहा था लोगों के प्लांट बंद थे इस डिमांड तो फिर भी थी hmm. तो हमारा उस समय ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ द कोविड वाज ए ए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर नॉट नॉट प्रॉब्लम प्रॉब्लम एब्सोल्युटली यू एंड आपने अच्छी तरीके से यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर पीपल दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वॉट आपको भी यू नो सपोर्ट करता है आगे जाते हुए वही आज कंपनी में वॉट इज कंपनी आपको पीपुल पे ध्यान रखना है और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान रखना है साथ में और तीसरा पर्यावरण पे ध्यान रखना है कि अब दुनिया बदल गई अब आप पोल्यूट करके आगे नहीं बढ़ सकते हो अब पूरा पर्यावरण पूरा एनवायरनमेंट हैज टू बी द फोकस उसके और बिना, वो आप फोकस भी कर रहे हैं, राइट अभी आपका काफी फिफ्टी फाइव परसेंट ग्रीन अमाउंट। यस और तो स्टार्ट तो हुए नहीं, नहीं, जो भी होगा हम फ्यूचर की बात पहले नहीं करते हम करके बताते हैं। बता के करने में मजा नहीं है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम पचपन पहुंचेंगे जब 25 था 25 बोलते थे फ्यूचर तो धीरे धीरे बढ़ेगा ये क्योंकि दिस इज द वे और अब बिकमिंग ग्रीन इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल आज है जो पहले पर्यावरण और प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग चलता था अब दोनों एक साथ हो गए आप अगर ज्यादा पर्यावरण फ्रेंडली हो आज के दिन जो नॉर्थ इंडिया में पराली का प्रॉब्लम है कि उसके कारण पोल्यूशन होता है श्री सीमेंट आज के दिन धीरे धीरे पराली को फ्यूल के रूप में चालू कर दी फार्मर्स की इनकम भी बढ़ गई और हमारे लिए वो थोड़ा सस्ता भी पड़ने लग गया हम करीब 2000 टन पराली रोज जलाते हैं इन आवर वेरियस फैक्ट्रीज पुट टुगेदर कि हम एग्रो वेस्ट 2000 टन पर डे यूज करना चालू कर दिए एंड आवर एम इज टू कंटिन्यूसली इंक्रीज इट और इसकी कभी शॉर्टेज नहीं है जितना आप लेना चाहो नई यूनिट्स पराली के बनाने की उसको पैक करने की बन जा रही है क्योंकि रॉ मटेरियल तो अनलिमिटेड है एब्सोल्युटली और सर आप अगर मैं पूछा जाऊँ कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है श्री सीमेंट वर्सेस आपको श्री सीमेंट को क्या ऐसा वो यू you नो know, मजबूत बनाता है दूसरों से आपका सोच कि आप जो लोग हैं उनको आप अपने फैमिली का पार्ट मानते श्री सीमेंट फैमिली के पार्ट है और

क्योंकि इंडस्ट्री में देखें तो कंसोलिडेशन तो चल रही है सीमेंट इंडस्ट्री में तो अब कंसोलिडेशन चल रही है क्या ये यही ट्रेंड चलेगा इंडस्ट्री में और श्री सीमेंट क्या अपना फैमिली बढ़ाएगा श्री सीमेंट ने अपना 28 तक 80 मिलियन टन का हमारा बिना किसी को बाहर से लिए सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ से ये है और फर्दर 30 तक 91 मिलियन टन हम अपना कर लेंगे इतना हमारे पास फ्यूचर का प्रोग्राम है तो अब जब आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा तो सारा सीमेंट का ये है पेशेंस इन प्लानिंग एंड इन इम्प्लीमेंटेशन एक बार आपने सोच लिया ये करना है उस समय खूब सोच विचार कीजिए पर एक बार सोच लिया फिर कल किसने देखा अगर डिसीजन हो गया तो अभी एक घंटा में चालू कर का भैया वेरी वेरी नाइस फ्रेज आई थिंक ये तो मेरे साथ बहुत टाइम ही रहेगा मेरे मन में रहेगा अभी ये बात भी आ, सर ओवरऑल बात करें तो यू नो कंट्री का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट और वहां पे ग्रोथ भी दिख रही है तो ये ग्रोथ ऑब्वियसली यू नो कंपनी को या सीमेंट इंडस्ट्री को भी दिखेगी आप ये ग्रोथ ट्रेंड कैसे मूव होते हुए देख रहे हैं अभी ये ग्रोथ जो इंडिया में हाउसिंग का और छत का जो नीड है बढ़ रहा है और ये कंपाउंडेड रेट से बढ़ेगा हमने देखा है कि जब भी ये रोटी का और कपड़ा का कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहा अब है प्रॉब्लम मकान का एंड हायर वैल्यूज इन लाइफ का कि आपको जो मॉडर्न थिंग से डाटा चाहिए आपको ये खर्चा है तो अब नो फूड एंड इज नो मोर ए प्रॉब्लम दिस शेल्टर प्रॉब्लम विल गो अवे बट इतना बड़ा बैकलॉग है लास्ट पचास साल का कि इट विल टेक ईयर्स बट गवर्नमेंट भी काफी मदद कर रही है सबको हाउसिंग लोन बहुत आराम से मिल रहा है प्रधानमंत्री की हाउसिंग योजनाएं हैं तो सीमेंट की डिमांड तो काफी बढ़ेगी और जैसे जैसे देश प्रॉस्पर करेगा हमारी सात आठ परसेंट जी होगी तो कंटिन्यूस आगे ग्रोथ तो होगा बट सीमेंट इंडस्ट्री अभी तक हेड ऑफ डिमांड कैपेसिटी लगाती है तो आज तक सीमेंट इंडस्ट्री 75 परसेंट अस्सी परसेंट इसी कैपेसिटिलाइजेशन पे चलती है आगे भी चलेगी तो आपको सीमेंट की शॉर्टेज हो जाए ऐसी बात तो नहीं है कम से कम नेक्स्ट 10-15 साल तो नहीं है उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो दूर में है से जैसलमेर में है या नॉट इन द पे डिमांड है वहां रिसोर्स नहीं है तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन खर्चे की बात है बाकी सब ठीक है Absolutely, बाकी सब तो ठीक है पर यू you नो know, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर इफ वी सी दैट द रियल एस्टेट इंफ्रा साइड वो कंपाउंडेड रेट पे वहां पे ग्रोथ होगी सो so, आपने बताया कि इंडस्ट्री भी ग्रोथ you know, हो गई सीमेंट की बट वॉट रेट इज दैट यू नो क्या वही जो रेट पे इंडस्ट्री ग्रो uh, होगी कि सीमेंट की स्टोरी में भी वो ग्रोथ रेट उतनी नहीं होगी जितनी उनकी है वर्ल्ड ओवर वेरियस कंट्रीज जिस तरह हम आज है जीडीपी में काफी कंट्रीज ने इस स्टेज को पार किया है तो ये देखा गया है कि ढाई सौ सौ डॉलर के आसपास पर कैपिटा जीडीपी आती है तो सडनली सीमेंट पर डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑल द अदर नीड्स जो आपको मिनिमम खर्चे चाहिए दवाई चाहिए हॉस्पिटल चाहिए वो सारा पूरा हो जाता है एंड उस समय सडनली देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की और इंडिविजुअल्स को घर की नीड आती है इंडिया इज इन दैट स्वीट स्पॉट तो नेक्स्ट 30 से 40 साल जो मोदी जी कर रहे हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा कि कोई भी गवर्नमेंट होती करता और हाउसिंग तो विथ प्रोस्पेरिटी ये दोनों नेचुरल डिमांड है तो आपका सीमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर यहां से बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा क्योंकि वी आर इन दैट स्वीट स्पॉट हमारे पास वेरियस कंट्रीज के डाटा है चाहे वो इजिप्ट हो इसराइल हो जो भी हो ने इसको पार किया है और सडनली डिमांड आई है बिल्कुल और यू नो एक और बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री में सीमेंट प्राइसेस देखे तो सिमिलर ट्रेंड है लास्ट में जो प्राइस था अभी जो प्राइस चल रहा है सिमिलर लेवल्स पे चल रहा है तो ये सीमेंट प्राइसेस की हम यू you नो know, ये ट्रेंड कहाँ है क्या ये जो प्राइसिंग प्रेशर रहा है स्पेशली लास्ट टाइम सिक्स मंथ्स में स्पेसिफिकली क्या ये समथिंग इज दैट इज इन द इंडस्ट्री ये कंटिन्यू रही क्योंकि भाव में कुछ फर्क नहीं पड़ा है काफी टाइम ऐसा है कि भाव में फर्क जरूर पड़ता है हर साल ऑन एन एवरेज अगर इंडिया का इन्फ्लेशन छह सात परसेंट है तो सीमेंट इंडस्ट्री में एवरेज में दाम चार से पांच परसेंट बढ़ते हैं टू मेकअप द कॉस्ट रेस्ट टू परसेंट जो है वो हम लोग इनोवेशन से टेक्नोलॉजी से ओवरहेड्स कमती करके बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ा के इससे कवर करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री का भाव अगर चार से पांच परसेंट रेट बढ़ता है तो वो ऐसा कोई को फील नहीं होता है कि ऐसा लगता है कि वही दाम है वो दाम कैसे होते हैं कि स्पेरिडिक कभी कभार कोई जगह में अचानक बॉम्बे में तीन दिन से रेख नहीं पहुंची और डिमांड है तो कोई भी दाम सीमेंट का महीने भर के लिए दो महीने के लिए बढ़ जाएगा फिर वहां पे जब माल पहुंचना चालू हुआ कम हो गया तो अनइवन है और एक और बात कि सीमेंट जो है हमारा करीब करीब साढ़े तीन सौ रुपया किलो बैग माने सात रुपया किलो सात रुपया किलो हम कंज्यूमर के घर में जाके अट्ठाईस परसेंट जी देने के बाद उसको देते हैं और सात रुपया किलो में कोई भी प्रोडक्ट चाहे मैन्युफैक्चर्ड हो चाहे नेचुरल हो नहीं मिलता है रद्दी वाला भी आपके घर में आके आपके यहां से 15 रुपया किलो में सामान ले जाता है तो सात रुपया किलो में अट्ठाईस परसेंट ड्यूटी देने के बाद हम उसके घर में पहुंचाते हैं जहां वो कंज्यूम करता है तो इट इज ए मैटर ऑफ वॉल्यूम्स एंड हाई एफिशिएंसी तो इंडिया आज इंडिविजुअल कंपनी की बात छोड़े इंडिया आज सबसे ज्यादा एफिशियंट है होल वर्ल्ड में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जस्ट मेरी इंक्विजिटिविटी है कि आप जो बता रहे हो कि हमारे पास कैपेसिटी तो है कपेसिटी इज मोर आता है कि अभी, reach, है कि अभी इफ इट इट रीच वाज ओनली डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं इज देयर सम मोर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस प्राइसिंग जो अप डाउन होती रहती है कि वो मेन फैक्टर फिर क्या इम्पैक्ट प्राइसिंग तो मेन फैक्टर ही माइक्रो की यहाँ पे हम पहुंचा सकते हैं हमारा अगर उस जगह सेटअप नहीं है और मैं उस जगह हाई प्राइसेस के लिए एक घंटा के लिए जाना चाहूँ तो पैसा डूब जाएगा आप अपने ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं धीरे धीरे मार्केट डेवलप करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा प्राइसेस चार से पांच परसेंट साल में बढ़ेंगे हाफ परसेंट पर मंथ दैट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज और अगर हमसे कोई आठ परसेंट ऊपर में नेक्स्ट ईयर का माल लेना चाहे तो पूरा इंडस्ट्री उसको शायद देने को तैयार हो जाए आई डोंट थिंक एनी वन विल से नो टू दैट तो <laughs> इसलिए कि सडनली प्राइस राइज हो जाएगा इज ए अननोन इंसिडेंट है कभी भी कहीं भी हो सकता है एब्सोलूटली और सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन लास्ट फ्यू क्वेश्चन सर कि अगर मैं uh, श्री सीमेंट की बात करूं फाइव इयर्स डाउन द लाइन व्हाट इज इट दैट श्री सीमेंट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड टर्म्स ऑफ आपकी ग्रोथ जो 12 15 परसेंट की रेंज में रही है क्या यही कंटिन्यू रहेगी एक तो ग्रोथ से ज्यादा हम इफिशियंसी पे फैक्टर करते हैं वी विल लाइक टू बी नोन कि हम दुनिया की सबसे एफिशिएंट कंपनी है सबसे कमती एनर्जी लगा के हम सीमेंट बना सकते हैं सबसे कम हम नेचुरल रिसोर्सेज से सीमेंट बना सकते हैं जो ऑलरेडी हम हैं और इस टैग को हम जिंदा रखना चाहेंगे हाई कंपटीशन है आप कमोडिटी में हैं, सब आपसे समझते हैं आप क्या किए हो जो सक्सेस होता है उसको सारी इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर कॉपी करती है तो आपको नए चीज़ लेके आना पड़ेगा तो कंटिन्यूस इनोवेशन टू रिड्यूस कॉस्ट दैट इज वन थिंग जब वो रिड्यूस कॉस्ट होगा आपके पास मसल पावर आता है तो आप नेचुरली ग्रोथ करते हो तो हमारा ग्रोथ नेचुरल होगा होपफुली तो जो 12-15 परसेंट इतने दिन हुआ उतना ही रहेगा और देश के अंदर भी जीडीपी ग्रोथ होने से ऐसा लगता है कि नेक्स्ट पांच साल में इंडिया का ग्रोथ भी जो पहले सात आठ परसेंट था वो दस बारह परसेंट तक चला जाएगा एब्सोल्युटली और सर खाने की बात करते हैं थोड़ी मारवाड़ी फैमिली इन कोलकाता पसंद है या पुचका पुचका तो टिपिकल बंगाली डिश है आपको राजस्थान से बाहर मारवाड़ी सिटी खाली कलकत्ता है यहाँ पे जितने मारवाड़ी हैं ये उतने पूरे बॉम्बे और पूरा महाराष्ट्र में नहीं है जितना कलकत्ता में है तो फूड इज आवर पैशन और यहाँ पे मारवाड़ी अभी तक वो राजस्थान का फूड टेस्ट लगा रखे बट आप अगर कलकत्ता में हो हम वेजिटेरियंस नॉन वेज के बारे में कमती जानेंगे बट नॉन वेज डिशेज ऑफ कैलकाटा आर वर्ल्ड फेमस एक वेज भी बता दीजिए मैं तो वेज हूं क्या खाओ क्या खाके जाओ यहाँ से अब यहाँ पे एक शेयर मार्केट के पास में दुकान है जहां पे टोस्ट बनाता है और सिंपल चाय देता है पर उसका चाय और टोस्ट मालूम नहीं क्यों पूरा इंडिया फेमस हो रहा है और <laughs> वर्ल्ड में भी जहाँ पहले शादियां होती थी अब तो इंडिया से बाहर शादी होना कम हो गया तो वो हर कंट्री में गया हुआ है आज हमारे साथ जुड़े हमें यहाँ आपकी ब्यूटीफुल ऑफिस में बुलाया एंड कोलकाता थैंक यू सो मच सर थैंक स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा